हिमाचल हाई कोर्ट में सीपीएस मामले की सुनवाई जारी है। आज यानी 9 मई को दूसरे दिन लगातार 2 बजे से 3 घंटे तक मामले में सुनवाई हुई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की बेंच में दोपहर 2 बजे शुरू हुई सुनवाई, शाम 5 बजे तक चली। अदालत में आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक तनखा ने सरकार की ओर से बहस की। अब ये मामला कल फिर से सुना जाएगा। मामले में पिटीशनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट पूरे हो चुके हैं, अब हिमाचल सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक तनखा ने मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए। देखिए, पिटीशनर्स का आर्ग्यूमेंट पहले खत्म हो चुका था, कल से रिस्पोंडेंट्स का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया है। कल और आज आधा दिन मैंने आर्ग्यू करके अपना सबमिशन स्टेट की तरफ से प्रस्तुत किया और बताया कि क्यों इस पिटीशन में हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या है। कोर्ट ने बहुत सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर में पूरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और मेरे ख़त्म करने के बाद दुष्यंत दवे साहब आए हैं, वो भी स्टेट की तरफ से अपीयर हो रहे हैं दूसरी पिटीशन में। अब उनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुका है, उनका आर्ग्यूमेंट आज इंक्लूड नहीं हो पाया तो वो कल आर्ग्यू करेंगे। वो हमारी दलील थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दलील थी कि जो सीपीएस है वो मंत्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्री का एक प्रतिबंध होता है, उस प्रतिबंध के बियॉन्ड आप मंत्री बना ही नहीं सकते। और जो हिमाचल एक्ट है उसके बारे में हमने दलील पेश की कि वो जो दूसरे एक्ट थे उनसे डिफरेंट है, उस एक्ट का दूसरे एक्ट से कोई संबंध भी नहीं है। अब ये सब बातें कोर्ट के बीच की बातें हैं, उस पे हम ज्यादा टिप्पणी पब्लिकली नहीं करना चाहेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।